कांग्रेस सांसद चौधरी संतोष सिंह की अचानक हुई मौत से उनके परिजन, समर्थक, यहां तक कि उनके विरोधी भी हैरान हैं। किसी को यकीन नहीं हो रहा कि चलते फिरते एकदम फिट शख्स की ऐसे मौत हो सकती है। बता दें कि जालंधर से कांग्रेस सांसद रहे चौधरी संतोष सिंह राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने पहुंचे थे। वो राहुल गांधी के साथ यात्रा में थे, इसी दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और वो यात्रा के दौरान बेहोश हो गए। उनकी मौत की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है। लेकिन इस बीच चौधरी संतोष सिंह की मौत पर उनके विधायक बेटे विक्रमजीत चौधरी ने बड़ा खुलासा करते हुए डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनके मुताबिक एम्बुलेंस में ले जाते वक्त उनके पिता चौधरी संतोष पंप करने पर सांस ले रहे थे, तभी वहां मौजूद डॉक्टरों ने उन्हें कहा कि किनारे हो जाओ, वी नो हाउ टू डू इट, यानी हमें पता है कि कैसे करना है। बेटे विक्रमजीत की माने तो उनके पास इमरजेंसी शॉक का भी कोई सामान नहीं था। वहां के डॉक्टर बड़ी हड़बड़ाहट में थे। विक्रमजीत के मुताबिक उनके पिता को कोई गंभीर बीमारी नहीं थी। जिंदगी में उनका सिर्फ कैटरेक्ट यानी आँख का ऑपरेशन हुआ था और वो पूरी तरह फिट थे। कोई उन्होंने कहा नहीं थी अगर इमरजेंसी शॉर्ट शूट नहीं बस वो आई थिंक ही वाज मेडिकल नो नो ही वाज ब्रीथिंग कंडक्टिंग या जब दोनों कर रहे थे पंप कर रहे थे तो यू आल्सो ट्राइड आई साल है रही बट ही सेड पास आउट जो वी नो हाउ टू डू इट हां हां जब दोनों थे एम्बुलेंस आ गई कुछ पहले भी प्रॉब्लम थी ना जी कुछ नहीं नो इशू भाजी नो हार्ट डिजीज नो ब्लड प्रेशर नथिंग अब जिंदगी का कैटरेक्ट से कराया ऑपरेशन सवेरे ही मैं टी फॉर हिमसेल्फ मैनू भी कहते एक्चुअली मैं 2 बजे पहुंचे कर सर अरेंजमेंट देख के तो कहते काका हम 2 तो बज गए 4 बजे जाना ना ही सौ तो चलना मॉर्निंग ठीक होती बनाते बता दें कि चौधरी संतोष सिंह का शुमार पंजाब कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में किया जाता था। उन्होंने 1978 में अपना राजनीतिक सफर पंजाब युवा कांग्रेस नेता के तौर पर शुरू किया था। वो जालंधर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर 2014 और 2019 में चुनाव जीते थे। फिलहाल वो जालंधर एससी सीट से कांग्रेस सांसद थे। इससे पहले वो 3 बार विधायक भी रहे और साल 1992 और 2002 में कांग्रेस की सरकार में मंत्री भी बनाए गए थे। टाइम्स नॉन ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।